लगते हो देन यू हैव गॉट दिस कुछ तो लोग कहेंगे विच वॉज एक्चुअली मेड ऑन बिट सेम कॉन्सेप्ट राइट ओल्डर कपल एंड यू नो समथिंग लाइक दैट सो हाउ दिस शो वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज शोज ओवर हियर द वुमन इज ओल्डर दैट्स वेरी डिफरेंट एंड इट इज देयरफॉर द फ्लेवर ऑफ द शो विल बी वेरी डिफरेंट एज अपोज टू इन कुछ तो लोग कहेंगे अगेन द लीड एक्टर वॉज मच ओल्डर देन द लीड एक्ट्रेस बड़े अच्छे लगते both of them are it's not one is older it's but it is about a mature it is a mature love story so hence with this show the entire play out will be extremely different and it's again something that Srishti mentioned very relatable because this happens in our society an older woman getting linked to a younger man always has issues around it so similarly the show will also talk about that Hi, this is Seema Singh. I just wanted to know that will Jile Zara break the monotony of Saas Bahu soap? Yes. Or yes. Will it, yes. 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 We wouldn't see it again taking credit the same part no, in the middle or you see of the all show. These big boys are Sony. They are all going to kill me if it goes down. All right. Thank you. Hi, Rohit this side from Rajshri. My question goes to Sangeeta. The show is about progressive Indian women, right? So what do you think about the women's scenario has changed for the better on television or maybe? Yeah. Hi Rohit. Definitely, I think as just said, Sony always has come up with shows where women are progressive. So we are trying to make shows where women are shown progressive. They have a mind of their own. And they can handle all kinds of responsibilities, whether at home or or outside, and they do it with a smile on their face, which I think most of the Indian women are. A lot of your colleagues and contemporaries, I'm sure, are like that. So yeah, we are definitely going for it, and I'm sure we'll achieve it. You know, in the essence, we're telling a story, which is hopefully a beautiful, relatable love story, and it's really not necessary to make a point of. हेलो संगीता जी रोहित हेलो रोहित आपका आपका ये शो बाकी शो से कितना हट कर है जबकि और भी शोज बहुत से चल रहे हैं जो भी बेस्ड है देखिए पहले तो जैसे अभी भी कहा गया है लव स्टोरी तो है ही लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा रिलेटेबल है और ओल्डर वुमन और यंगर बॉय के बीच में लव स्टोरी है लेकिन ये एक इतना हाईलाइट पॉइंट या ऐसे बैंग नहीं है आप पे ये धीरे धीरे खुलेगा जैसे आम जिंदगी में आप ये इश्यूज देखते हैं उस हिसाब से इसे डील किया जाएगा उस हिसाब से इस शो में दिखाया जाएगा बेसिकली साची की कहानी सिर्फ लव स्टोरी नहीं है उसकी लाइफ में खुद के जो चैलेंजेस हैं अपने परिवार के साथ अपने काम को लेकर ये सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा और क्योंकि ये कोई मेजर ड्रामे के साथ नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस शो में कुछ नहीं है दरअसल छोटी छोटी चीज़ों को डील करना उसे खूबसूरती से लाना दिखाना उसमें लोगों को इन्वॉल्व करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हम कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आर राइटर्स आर टीम द चैनल आर प्रोड्यूसर डायरेक्टर दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड वील अचीव इट श्योरली चुप बैठे हो इतनी इतनी फीमेल्स के साथ ना आदमी चुप ही बैठते हैं अच्छा ये बताइए आप कितने नर्वस हैं संगीता पहले भी बहुत अच्छे अच्छे इनफैक्ट मतलब रोमांस एक टाइम पे वो जमाना था जब संगीता आती थी और हम किस देश में हैं हाँ तो आप बताओ आप कितने सुपर एक्साइटेड हो कि सुपर नर्वस हो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि शी इज़ द ओनली फेस ऑन टी वी दैट आई हैव एवर वॉच्ड और मेरे मुंह से निकला कि वाह यार ये कौन है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई वुड एवर वर्क विद हर
So for me, this opportunity is actually very special, and I'm lucky. मुझे लगता है कि if I wasn't in this position right now, and I was watching the promos on TV घर पे बैठ के किसी और लड़के को मुझे बहुत बुरा लगता है. So sweet. आप क्या कहेंगे? I'm flattered totally. I'm falling in love already. Thank you. बहुत ज़्यादा excited हूँ. Nervous भी थी लेकिन अब excited ज़्यादा हूँ. जैसे आपने कहा कि 6 साल के बाद तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट कैरेक्टर का नाम सांची है और कैरेक्टर के बारे में ये बता सकती हूँ कि सिंपल लड़की है, बहुत आप जैसी मुझ जैसी है, कोई और लड़की वैसी है. प्रैक्टिकल है, घर और बाहर दोनों को संभाल कर चलने वाली लड़की है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खूब निभाना जानती है और दुखी नहीं है बिल्कुल भी. लेकिन हाँ, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहती है लेकिन उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ है. ध्रुव एक 27 साल का लॉयर है जिसने शायद कभी कोई केस नहीं लड़ा होगा, बट उसमें कोई भी लॉयर टाइप की क्वालिटी नहीं है. वो इरिस्पॉन्सिबल है, एक अमीर घर का लड़का है, तो उसने ज़िंदगी एक अलग तरीके से देखी है. जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ साची ने निभाई है उसको कभी उसे कभी निभाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो ही कम्स इन टू हर लाइफ एज कह सकते हैं कि यू नो अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. वो कहता है कि यू नो जस्ट इन्जॉय, जो भी होगा लाइफ में वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, डोंट वरी. बेसिकली ये दो अलग अलग किरदार हैं. ये जब इनका जब आमना सामना होता है, जब ये दोनों आते हैं तो दोनों की ज़िंदगी में इसका क्या असर होता है, दोनों की ज़िंदगियाँ कैसे बदलती हैं और अच्छे के लिए या बुरे के लिए, बहुत सारे ये सांची के किरदार में कितना फ़र्क आएगा या ध्रुव के किरदार में कितना फ़र्क आएगा उन दोनों के होने से, ये कहानी है.